बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब्स हाउस में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे अफराद जो बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं और वो जो हैं उनके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास जो है डिग्रीज़ हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो है जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। एक दो जॉब्स नहीं हैं, मुख्तलिफ पोस्ट्स पर मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स हैं और सैकड़ों जॉब्स हैं। तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी पोस्ट की जॉब है, कौन कौन से स्केल की है, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, आपने अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इस एडवर्टाइज़मेंट की तरफ। एडवर्टाइज़मेंट की तरफ जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जॉब्स है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि गवर्नमेंट जॉब्स की जैसे ही अपडेट्स अपलोड हों आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहें। तो चलते हैं एडवर्टाइज़मेंट की तरफ। एडवर्टाइज़मेंट आप देख सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जारी की गई है। इसमें जो है आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन विल ओनली बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन पंजाब। एक बात क्लियर होगी, पूरे पंजाब से कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। चलते हैं जी पोस्ट की तरफ। सबसे पहले जो जॉब टाइटल है पर्सनल असिस्टेंट का है, बीपीएस 17 होगा, ठीक है। टोटल 18 वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट की 13 है, माइनॉरिटी कोटा की 1 है, स्पेशल की 1 है, वुमेन कोटा की 3 है, मतलब के टोटल हो गई 18। क्वालिफ़िकेशन रखी गई है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपके पास शॉर्ट हैंड या टाइपिंग स्पीड जो है 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड की 110 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड इन पेज, ठीक है। एटलीस्ट 5 साल का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। तो चलते हैं अगली पोस्ट पर, स्टेनोग्राफर की है। इसमें जो है किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर किया गया। टोटल 12 सीटें हैं, इसमें ग्रेजुएशन मिनिमम सेकंड डिवीजन, 40 वर्ड पर मिनट और शॉर्ट हैंड की 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो इसकी 12 सीटें हैं। चलते हैं सुपरवाइज़र आईटी, ठीक है, इसकी 2 हैं। क्वालिफ़िकेशन मास्टर इन कंप्यूटर साइंस रखी गई है। उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए या फिर मिनिमम 2.5 CGPA आउट ऑफ 4 या फिर 3.5 out of 5, ठीक है। HEC की तरफ से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया और एटलीस्ट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। चलते हैं आगे, चौथे नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर कैफेटेरिया, BPS 17 है, 1 पोस्ट है सिर्फ, ठीक है। इसमें डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। 25 से 35 साल एज लिमिट है। आगे चलते हैं एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर, इसमें 18 टोटल सीट्स हैं। इसमें ग्रेजुएशन मिनिमम और वही जो है वो क्राइटेरिया ऊपर वाला रखा गया, आप पढ़ सकते हैं। आगे असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, 2 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 हैं, असिस्टेंट IT BPS 16 की 7 हैं, BSc इन कंप्यूटर साइंस रिक्वायर की गई है। केयर टेकर की 1 सीट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन राइटर, ठीक है, इसकी 1 सीट है, BSc इन कंप्यूटर साइंस, एटलीस्ट 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे चलते हैं हार्डवेयर टेक्नीशियन, इसकी जो है 4 वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफ़िकेशन आप रीड कर सकते हैं, मैं मेन चीज़ों की तरफ जाना चाह रहा हूँ। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 59 वैकेंसीज़ हैं, BPS 14 पर 59, 45 ओपन मेरिट पे हैं। इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपके पास, 45% मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम। उसके बाद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट, डिप्लोमा इन IT शैल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास डिप्लोमा IT का तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद ऑफिस कोऑर्डिनेटर, इसमें इंटरमीडिएट जो है वो रिक्वायर की गई है, टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इसमें, ठीक है। बाकी ये टोटल 38 सीटें हैं, इसमें आप जो है खुद ये कर सकते हैं, जो उन्होंने डिवाइड किए वो रीड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया ऑपरेटर BPS 13, 3 वैकेंसीज हैं, ICS चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद नेटवर्क एसोसिएट है, सॉफ्टवेयर एसोसिएट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है। ये आपने खुद रीड कर लेनी है, ये एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे लिंक में भी मिल जाएगी। और उसके बाद चलते हैं मेन चीज़ों की तरफ, ये बहुत वैकेंसीज हैं। कुक की है, ड्राइवर की हैं, फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर की है, बुक बाइंडर की है, ठीक है। उसके बाद जो है वेटर की है, चौकीदार की है, उसके बाद फराश की है, माली की है, स्वीपर की है, ठीक है। इतनी वैकेंसीज़ हैं,
कि आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई ऐसे करना है कि आपने जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है इस एड्रेस पर। वो भी मैं आपको आगे तरीका बताता हूँ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एडवांस में। उसके बाद उन्होंने लिखा है नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई ज़रूरत नहीं है। एज रिलैक्सेशन आपको सर्विसेज रूल्स के मुताबिक मिलेगी। उसके बाद रात को 11:59 पर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 दिसंबर 2021 वाले दिन रात 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेन जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं कि आपने जो है वो कोई अगर आपका मिसकंडक्ट हुआ या कोई मतलब के बोगस आपके डॉक्यूमेंट्स हुए तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे। फ़ीस जो है आपने नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, वापस नहीं होगी। ₹500 है पोस्ट BPS 3 से लेकर 9 तक के लिए ₹500, और अगर आप BPS 10 से लेकर 15 के दरमियान वाली पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो ₹1500, और अगर आप BPS 16 या अबव के लिए कर रहे हैं तो ₹2000 आपको फ़ीस जो है इस अकाउंट में जमा करवानी होगी, जो कि MCB बैंक में होगी। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के नाम से ये उनका अकाउंट है, उसमें आपने जमा करवानी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो चलान फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर आपने नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है, CNIC ऑफ द कैंडिडेट लिखना है, जॉब टाइटल, जॉब कोड, मोबाइल नंबर, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। सिर्फ वही एप्लीकेशन देखी जाएंगी जिसके आपने फ़ी पे की होगी। चलें जी आगे, अब हम चलते हैं जी अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने ये इस एड्रेस पे जाना है, सॉरी मैं दोबारा टाइप करता हूँ ये एड्रेस, इस एड्रेस पे आपने जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, और ये देखें यहाँ पर जो है जॉब्स आ गई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये वाली है, अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है। सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने अपना जो है लॉगिन बनाना है। लॉगिन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रजिस्टर है इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपने अपना जो है वो तमाम जितने भी डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे, फिर आपने बैक आना है और लॉगिन यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने लगाया होगा वो लिख के ये वाला कोड यहाँ पे इंटर करना है और लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद अपनी तमाम तफसीलात जो है वहाँ पे इंटर कर देनी है, ठीक है। आपको याद रहे कि आपने इस सब आपने जो है चलान फॉर्म लाजमी पे करना है, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एक टेस्ट लिया जाएगा, उसी एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। आपका टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट के बाद जो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारान हो गए उसमें जो है उनमें उनका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। टेस्ट में आपको 40% मार्क्स कम से कम आपने लाजमी लेने हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु विल अप्लाई अगेंस्ट कोटा पोस्ट शैल हैव टू सिक्योर 40% मार्क्स इन रिटन MCQs टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं चाहे वो सर्विस कोटे वाले हैं उनको भी 40% मार्क्स लेने होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जॉब नेक्स्ट किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।